तीनों को साथ में देखती हूँ तो मेरे मेरे कलेजे में आग आग लगती है। इसलिए आपने रूडी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की ताकि हम तीनों भाइयों को आप अलग कर सके। हाँ, और ये कोशिश मैं जिंदगी भर करती रहूंगी, जिंदगी भर। कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ओम रू और शिव, शिव ओम रू एक थे और हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मौत तो अलग कर सकती है ना बेटा, इसीलिए तुझे मारना चाहती थी, क्योंकि तू इस थर्ड क्लास ओबराय परिवार की ढाल है, क्योंकि तू ही है जिसने इस परिवार को बांध कर रखा है, बचा कर रखा है, और अगर जब तू मर जाएगा तो अपने आप ये परिवार खत्म हो जाएगा, तू खत्म, परिवार खत्म, सिंपल है ना? आप अपने इस इरादे में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या क्या करेगा तू, कैसे रोकेगा मुझे? हाँ, सबको बताएगा इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। छोड़ो यार, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तूने तो अब तक ओम और रुद्र को ये भी नहीं बताया कि तूने तेज वीर जी का खून उन्हीं की जान बचाने के लिए किया था, तो कहां से आएगी हिम्मत? ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। कैसे कैसे? मेरे तेजवीर जी मुझे सब कुछ बताते थे। उन्होंने उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने मोहित के साथ मिलकर तुझे नैन्सी के खून के केस में फंसाया था, कैसे ओमकारा और रुद्र के शेयर्स हड़पने के लिए उन्होंने तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन तू नहीं माना था। फिर उन्होंने रुद्र और ओमकारा की सुपारी भी दे दी, लेकिन तू तो कुछ और ही निकला है ना? तूने ओमकारा और रुद्र की जान बचाने के लिए मेरे तेजवीर जी को मार डाला, तू जेल गया है? तू जेल गया, लेकिन फिर भी तेरा बड़प्पन, तूने किसी को नहीं बताया कि तूने तेजवीर जी का खून क्यों किया, क्यों मारा मेरे तेजवीर जी को, तूने किसी को नहीं बताया, क्योंकि तू बहुत अच्छा है, एक अच्छा इंसान है ना? और यही अच्छाई वो बोरा परिवार की ताकत है, और तेरी कमजोरी है। मैं जानती हूं तू अपने ये ओबराय परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकता ना, कैसे देखेगा? और इसीलिए तू मेरी असलियत कभी नहीं बताएगा उनको, वैसे ही जैसे तूने ओमकारा और रुद्र को ये नहीं बताया कि तूने तेजवीर जी का खून उन्हीं की जान बचाने के लिए। रूडी, मेरी बात सुन, रूडी तो कुछ नहीं बोलेगा, रूडी। क्या हुआ? भैया ने पापा को मारा था हमारे लिए, क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे। क्या क्या बोल रहा है? ये सच है शिवा, ये क्या बोल रहा है शिवा? कुछ नहीं यार, बड़े पापा तुम दोनों को बहुत प्यार करते थे। ये सच है? तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जो रुद्र कह रहा है वो सच है? बोलो अंदर जो भगवान ने आपको अभी बोला, भैया बोलो प्लीज। भगवान ने जो बोला कोई मायने नहीं रखता, मैंने कहा ना तुमसे, बड़े पापा तुम दोनों से बहुत प्यार। अरे तू जवाब देना शिवाय, जो रुद्र कह रहा है वो सच है क्या? शिवाय और सिर्फ सच ये नहीं है, भगवान ने उनको मारने की कोशिश भी की। उसके पीछे क्या नहीं मुझे पता, आप कभी कुछ नहीं बोलोगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। वह को पता था कि भैया ने पापा को इसलिए मारा क्योंकि पापा हमें मारना चाहते थे।